few moments later. हेलो तो गाइस, क्या हाल चाल? मेरा नाम मनपसंद, आप देख रहे हैं मनपसंद यूट्यूब चैनल। तो गाइस कैसे हो आप लोग, कैसे चल रही है आपकी सोलो में रैंक पोस्ट, प्लीज मेरे को कमेंट में जरूर बताना। तो गाइस ये मैच यहाँ पे 20 किल का फिर से आ चुके, कल का आपका मैच में 20 किल का दिखा, ये वाला मैच यहाँ पे 20 किल का होने वाला है। और अपन ने इस वाले मैच में इतना ज़्यादा भाई मज़ा है ना, इतना ज़्यादा बनने में मारने में मज़ा है ना, मैं क्या ही बताऊँ लोगों को। बस लास्ट तक बने ना, वीडियो में पहली बार है ना, वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को आप सब्सक्राइब करके जरूर आना, क्योंकि 16% वीडियो ऐसे आप लोगों को मिलती रहेंगी। तो सामने जब एक बंदा है, पहले इससे फाइट लेते अपन लोग। अब देखो यहाँ पे इस वाले बंदे को अपन ने फिनिश कर दिया है। इस वाले मैच में अपन ने ज़्यादा किल किया, खाली आप लोग को मैन मैन पार्ट दिखाएंगे जो अपन ने यहाँ पे फाइट लिए हैं, बाकी अपन नॉर्मल पार्ट यहाँ पे काट देंगे। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, इवेंट पर बहुत ज़्यादा बंदे लैंड करते हैं, उनमें से यहाँ पर मैं 3-4 किल तो निकाल पाता हूँ यहाँ पे। और शायद से यहाँ पे मेरा भी देखो डायमंड चल लग रहा है, मेरे ख्याल से यहाँ पे मेरे को नूब लॉ भी लग रही है, मतलब बंदे यहाँ पे ज़्यादा हाई पावर के नहीं आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे इतने ज़्यादा किल कर रहे हैं। और आपको कीड़े बताऊंगा ना, तो कीड़े आप यही कहोगे बंदा ये हैकर है। अब देखो यहाँ पे आराम से लूट रहा होता, उतने में यहाँ पे सामने साइड को यहाँ पे एक बंदा मेरे फायर करता है। अब देखो इस वाले बंदे को कैसे निपटाते हैं। अब मैंने यहाँ पे जैसे ही उस वाले बंदे को फिनिश किया ना, एक बंदा मेरे को टावर से बहुत गंदा मारने का ट्राई कर रहा था, बट यहाँ पे हल्का फुल्का डैमेज तो मैं ले लेता हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा डैमेज नहीं ले पाता हूँ। अब देखो यहाँ पे सामने साइड को एक बंदा है जो यहाँ पे एम लेकर बैठा हुआ था, मैंने इस वाले बंदे को डैमेज तो एक दो बुलेट मारी है, बट यहाँ पे बंदा अच्छा सा एम लेकर बैठा हुआ था और उसमें यहाँ पर बंदा मेरे को फिनिश कर देता है। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे अपने 3 किल निकल चुके हैं, अभी यहाँ पे पिक्चर बाकी है, मतलब यहाँ पर पूरा इवेंट अपने को खाली करना है। अभी यहाँ पे देखो फ्लैट की मैं उतरता हूँ कोचिंग की में। अब कोचिंग की में यहाँ पे पानी वाली जगह पे एक बंदा था और उसने यहाँ पे जस्ट अभी ओपन किया था, ये पानी वाला बॉय। अब देखो इस वाले बंदे को कैसे मारेंगे और इसको मैं पता भी नहीं चलेगा। तो ऐसे यहाँ पे बंदा इतना ज़्यादा बिजी था ना लूटने में, क्या ही बताऊँ। इस वाले बंदे को फिक्स कर देते हैं, अपने यहाँ पे ऑलरेडी 4 किलो हो चुके हैं, अभी यहाँ पे देखना अपन बंदे कितने ज़्यादा मारने वाले हैं। अभी देखो यहाँ पे अपने किल हो चुके हैं 4, अभी अपन को और मारने हैं। अभी चलते हैं फटाफट यहाँ से इवेंट पर निकलते हैं सीधी, क्योंकि यहाँ पे रुकना शायद नहीं ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि अपने पास रिकल होगा ना तो अपन सवाई ज़रूर मचाएंगे। तो वहाँ से निकलने के बाद अपन आ जाते हैं सीधा इवेंट पर, और इवेंट पर आने के बाद यहाँ पर मेरे को रास्ते में 2 बोट मिलते हैं, तो एक बोट को अपने यहाँ पर बहुत ईजी ख़त्म कर देते हैं। बारे में जैसे दूसरा बोट दिखता ना, ये बड़े मुश्किल लगता होगा। अब ये बोर्ड इतना ज़्यादा डैमेज खाता ना, मैं क्या ही बताऊँ, खाली देख रहे आप। आखिरकार इस वाले बोर्ड को अपन फिनिश कर ही देते हैं, बट यहाँ पे कोई नहीं। अब चलते हैं फटाफट नीचे साइड को पानी में। अब यहाँ पे आते हैं अपन पानी साइड को, अपने आप को रिकॉल चाहिए था, तो यहाँ पे बंदे भी पर्याप्त हैं और बंदे पर्याप्त के साथ यहाँ मेरे को खाली अच्छे से खेल रहा था, जिसमें से यहाँ पर मेरे को माइनस न लगे, मतलब माइनस तो इग्नोर करो, मतलब मैं मरना चाहूँ। तो चलते हैं फटाफट नीचे साइड को, और नीचे अभी बंदे हैं फ्लैल के लिए, तो जाता हूँ समय पहले नीचे साइड को। अब यहाँ पे देखो मैं बहुत टाइम से घूम रहा होता हूँ, मेरे को अब बंदे नहीं मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे बंदे पर्याप्त हैं, 7 बंदे यहाँ पे ऑलरेडी हैं अभी तक। और यहाँ पे मैं बंदे ढूंढता हूँ अगल बगल, कोई नहीं दिखता है, लेकिन यहाँ पे जैसे ही मैं ऊपर साइड जाता हूँ ना, तो बंदे यहाँ पर रिकल ओपन कर देता है, बट यहाँ मेरे को पता नहीं चलता है बंदा रिकल ओपन करके भी निकल जाता है जब मेरे को पता चलता है। अब देखो मैं बंदे ने यहाँ पर रिकल कर दिया, अब इस वाले बंदे को यहाँ पर 2 बार मारने वाला हूँ। अब इस बंदे ने यहाँ पर रिकल ओपन किया ना, मैं इस बंदे को 2 बार मारूंगा, एक बार मारूंगा बीच लॉबी में और एक बार यहीं पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भाई साहब मेरे को बंदे ने बहुत अच्छा डैमेज दिया था, बट मेरे को बंदा फिनिश नहीं कर पाता है। अब देखो यहाँ पे पानी भरने वाला है 30 सेकंड में, और यहाँ पर मैंने अपना रिकॉल तो ले लिया है, लेकिन अभी जो बंदे आएंगे उन बंदे को अपन रिकॉल नहीं लेने देंगे। पास यहाँ पे देखो पानी यहाँ पे भरना चालू हो चुका है, तो फटाफट लूट लेते हैं मतलब।
I got supplies. यहाँ पे देखो पानी भर चुका है। अब जैसे ही पानी भरता है आप लोगों को पता है बंदे पर्याप्त आने लगते हैं, मतलब व्हीकल उठाने के लिए। तो यहाँ पे ये बंदा आराम से लूट रहा होता है और इसको मैं यहाँ पे इग्नोर करता हूँ। मैं निकलता हूँ सीधा एग्जिट साइड को, क्योंकि मेरे को नीचे अपन किल कर लेंगे तो यहाँ पे क्या ज़रूरत है। और जैसे अपन यहाँ पे नीचे पहुँचेंगे ना तो गाइस तबाही भर के होने वाली है, तो बस देख कर जरूर जाना। चलो पहले फटाफट अपने यहाँ से एग्जिट मार लेते हैं। अब देखो यहाँ से एग्जिट मारने के बाद मैं उतरता हूँ शूटिंग रेंज साइड को, और यहाँ पे मेरे को नीचे गाड़ी पड़ी होती है और यहीं पे तुरंत मेरे को जैसे लैंड करता हूँ ना तो मैं यहाँ पर नीचे साइड का मेरे को बंदा मिलता है जो एक्चुअली बोट होता है। अब मैंने इस भाई साहब को फिनिश कर दिया जो यहाँ पर बोट होता है। अब यहाँ से जैसे निकल रहा होता ना तो यहाँ पर रस्ते मेरे को यहाँ पर एक और बोट मिलने वाला है। तो यहाँ पर अच्छे खासे भरपूर बोट मिल रहे हैं अपन लोग को अभी तक, क्या डायमंड लॉबी तो भाई मिलेंगे ना भरपूर। तो यहाँ पर देखो इस वाले बोट को फिनिश करते हैं अपन लोग। अपन ने इस वाले बोट को ही मार दिया, अपने यहाँ पे 9 किल हो चुके हैं। अभी अपन चलते हैं और बंदों को तलाश करने के लिए, क्योंकि अपने पास रिकॉल है तो कोई टेंशन वाली बात है नहीं अपने पास, और मर भी जाए तो कोई टेंशन नहीं है। अभी मैं इसमें प्रॉपर रैंक कुछ नहीं कर रहा हूँ, खाली मेरे को ए से या क्राउन चाहिए इस वाले मैच में। अगले सीजन अपन पक्का करेंगे इस वाले मैच में कॉन्कर। तो देखो वहाँ से निकलने के बाद आ जाता हूँ रोजिक साइड को। रोजिक में आने के बाद यहाँ पर रस्ते में दो और बोट मिलते हैं मेरे को, और दोनों बोट मुझे मतलब कुचलने के बाद सामने साइड यहाँ पर एक और बोट मिलता है और फिर यहाँ पर एक रियल बंदा होता है। तो यहाँ पर इन बोटों को मारने में ज़्यादा खास प्रॉब्लम हुई नहीं मेरे को। अब यहाँ पर देखो मैं जैसे पानी साइड देखता हूँ ना तो यहाँ पर मेरे को ओपन में एक ड्रॉप लूटता हुआ बंदा दिखता है। तो इस वाले बंदे को मैं डैमेज तो अच्छा खासा देता हूँ, बट यहाँ पे बंदा कहाँ गोल हो जाता है मेरे को नहीं चलता पता। बंदे को हमें दो बुलेट लेते हैं और बंदा हो जाता है यहाँ से गोल। अब मेरे को बंदा नहीं दिखता बंदा कौन साइड को गया है, लेकिन जैसे यहाँ पर निकलता हूँ ना यहाँ से वैसे ही मेरे को यहाँ पे एक बंदा मिलता है जो यहाँ पे पहाड़ी पर लेटा होता है, और मेरे को शक हो जाता है यहाँ पे बंदा वही है जो मैंने यहाँ पे डैमेज दिया था पानी में। तो यहाँ पे वेट करता हूँ मैं, यहाँ पे मेरे को बंदा दिख रहा था यहाँ से हल्का हल्का पहाड़ी साइड को। तो निकलते हैं यहाँ से फटाफट पहले। अब मेरे को बहुत टाइम हो जाता है मेरे को बंदा नहीं दिखता है। अब यहाँ से पहले निकलते हैं सामने साइड को एक बंदा है तो अपन करते हैं फटाक से मछली ओपन और सीधा कर देते हैं उस वाले बंदे को पुश। तो भाई साहब यहाँ से मैंने अच्छा खासा डैमेज दे दिया था इस वाले बंदे को। अब यहाँ से जैसे मैं लूटने का ट्राई करता हूँ ना तो यहाँ पर मेरे को एक AWM बंदे मतलब AWM वाला मेरे को बंदा मारने वाला है, और यहाँ पे मैं डैमेज ऑलरेडी था, मैं हील बैटिंग कर रहा था। तो यहाँ पे इसको इग्नोर करते हैं, सीधा निकलते हैं अपन आगे साइड को। तो यहाँ पर आ जाता है अपन पोचिंग की में। अब पोचिंग की में आने के बाद यहाँ पर एक मैकलन आती है सामने साइड को डाजी गाड़ी, तो यहाँ पर रुक जाओ तो मेरे को लगता था उस पार जाएगी, बट यहाँ पर डाइजे गाड़ी वो वहीं पर रुक जाती है। अब देखो इस वाले बंदे को यहाँ पर मैं दो बार मारने वाला हूँ। अब देखो ये वही बंदा है जो यहाँ पर रिकॉल ओपन किया था इस वाले बंदे ने। तो इस वाले बंदे को अपन ने फिनिश कर दिया है। अभी देखो इस वाले बंदे को मैंने यहाँ पे मारा है, अभी इस बंदे को मैं दोबारा भी मारूंगा, वो भी पोचिंग की में, और लैंड करेगा जस्ट मेरे सामने साइड को। तो यहाँ पर मेरे को हिल बैटिंग करते हैं, निकलते हैं आगे साइड को, क्योंकि आगे बंदा था आपको जैसे बताए। तो चलो पहले निकलते हैं आगे साइड को। तो इस साइड को यहाँ पे बहुत ऐसा फाइट चल रही होती है जो मैं सुन रहा होता हूँ, लेकिन यहाँ पर एक बंदा मर जाता है बोट के चक्कर में। और बॉस बॉस देखो यहाँ पर कैसे सॉल्व बंदे को फिनिश करते हैं। अब देखो ये बंदा यहाँ पर फिनिश हो जाता है बोट के चक्कर में, और मैंने इस बंदे को इजी फिनिश कर दिया है।
अपने यहाँ पर 14 किले हो चुके हैं। अब देखो ये वही बंदा है जो मैंने पहले बताया था आपको, तो इस वाले बंदे को अपन उतरने का मौका ही नहीं देते हैं, सीधा यहाँ पे अपन को लॉबी पहुँचा देते हैं। अब इसका रिकॉल भी ख़त्म हो चुका है, सब कुछ यहाँ ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। अब देखो चलो और आगे बंदे मारने के लिए। तो देखो यहाँ पे आता तो यहाँ पे भी बहुत गंदा तबाही मचा होता है, मतलब यहाँ पे भी बंदे बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे यहाँ पर लैंड करता हूँ मेरे को 2 बंदे का फुट आते हैं। अब ये भाई साहब यहाँ पे मतलब इतना ज़्यादा प्रो बन रहे थे ना कि मैं इस वाले बंदे को इजी फिनिश कर दूंगा, बट यहाँ पे मैंने इस वाले बंदे को मार दिया है। अभी भी यहाँ पे ऊपर एक बंदा है जो यहाँ पे होल्ड करके बैठा हुआ है। अब मैं इस वाले बंदे को देखना मैं कैसे मारूंगा, और पीछे साइड यहाँ पे एक बंदा लैंड होता है तो मैं पहले सब पहले अंदर को साइड जाता हूँ। अब इस बंदे को मारने का ट्राई करता हूँ समय पहले। मैं इस बंदे को सीधा सीधा जाता हूँ तो ये बंदे मेरे को फिनिश कर देता है, बट यहाँ पे जाता हूँ मैं बॉल के पीछे से। अब देखो इस वाले बंदे को अपन कैसे मारते हैं। भाई साहब यहाँ पे बंदे के पास शॉट गन थी, अगर मेरे को आप एक अमो पड़ जाती ना तो नो बचने बिल्कुल नहीं पाता हूँ। अब ये बंदा यहाँ पे मेरी मछली लेके भाग जाता है, तो बहुत पर्याप्त आ रहा था इसके ऊपर। अब इस वाले बंदे को मैं डैमेज तो देता हूँ, डबल टैबल बंदा खा चुका था। अब ये भाग जाता है आगे साइड को, तो मैं भी इसका पीछा करने के लिए निकल जाता हूँ यहाँ से आगे साइड को। तो यहाँ पे नीचे समय पहले पेटी पड़ी थी, मैं पेटी लूट लेता हूँ। तो देखो यहाँ पे कल की मैं एक्चुअली वीडियो दिखाया आप लोग को, तो कल में भी यहाँ पे शायद से 20 किल किए थे समथिंग, और एक ऐसे बंदे से मैं मर चुका था जिस बंदे को यहाँ पे चलना भी ठीक से नहीं आ रहा था, और उस वाले बंदे से यहाँ पे फिनिश हो जाता हूँ। बट इस वाले मैच में कुछ ऐसे ही होने वाला है। समय पहले यहाँ पे देखो ड्रॉप में एक बंदा है, पहले इस वाले बंदे को यहाँ पे फिनिश करते हैं और फुल 6x है मेरे पास, तो क्या स्प्रे जाते हैं ये जरूर बताना कमेंट में। भाई साहब क्या ही स्प्रे मारा मैंने यहाँ पे 6x फुल, मतलब तबाही वाला स्प्रे। तो यहाँ पे इस वाले बंदे को अपन ने फिनिश कर दिया है। अब चलते हैं यहाँ से आगे साइड को। अब आगे साइड यहाँ पे एक बंदा मिलने वाला है, और मैं उस गाड़ी वाले का मतलब पीछा कर रहा था, और मेरे को रास्ते में एक बंदा मिलता है। तो वो बंदा यहाँ पे मेरे को नहीं पता क्या कर रहा था, बट जो भी यहाँ पे बंदे ने मेरे को एसके से जो गंदा मारा है ना, मैं क्या ही बताऊँ। यहाँ पे देखो मैं जा रहा हूँ तो आराम से, और रास्ते में यहाँ पे गाड़ी पड़ी दिख रही है आपको, मतलब बग्गी साइड को, और यहाँ पे मैं जैसे जाता हूँ वहाँ पे बंदे का मेरे को फुट आते हैं, और वहाँ पे मेरे को इतना ईजी बंदा फिनिश करता है ना, मेरे पूरा रंगल का मैंने नहीं देखा होगा। मैं यहाँ पे क्या ही बताऊँ, ऐसे बंदे से फिनिश होता हूँ ना मैं इग्नोर करूँ। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही रहेगा, मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी प्लीज मेरे को कमेंट बता देना, वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को आप सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि 16% तक वीडियो मिलती रहेंगे आपके ऐसे नोटिफिकेशन वीडियो। तब तक मिलेंगे, बाय बाय।